नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और अब धीरे धीरे मंडी में जो गेहूं की आवक है वो लगातार बढ़ने लगी है। अलग अलग क्वालिटी का जो गेहूं है वो मंडी में आ रहा है, और अलग अलग जो किसान है वो अलग अलग गांव से गेहूं लेकर के मंडी में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज हम लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी पहुंचे हैं गेहूं की स्थिति जानने के लिए। हमारे क्या साथ नाम हैं है? व्यापारी माधव। आप। हाँ, आज गेहूं क्या भाव गया? आज गेहूँ 2150 से 2650, नीचे में कितना रखा है 2150 और ऊपर में? साढ़े छब्बीस कौन कौन सी क्वालिटी का गेहूं आया था? लोकवान, क्रॉस, मालवराज, मील क्वालिटी सभी आए। आने वाले समय में भाव बढ़ने की कोई संभावना? अभी कुछ कह नहीं सकते भाई, आज कितने ट्रॉली माल आए हैं? 80 से 90। अच्छा, अब लगातार माल बढ़ेगा। हाँ, अब आवक बढ़ेगी। ये अभी जो माल आया है ये कौन कौन सी क्वालिटी का है हमारे पास, ये सभी आपको जो बताई वो क्वालिटी है। और कौन कौन से आसपास के इलाकों से माल आते हैं आपके पास? यहाँ पर ज्यादातर देपालपुर बेल्ट का माल आता अभी जब सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी उसके जो है भाव निर्धारित होंगे तो उसका कोई असर पड़ेगा? भैया। जब तक सरकारी भाव नहीं आते तब तक कुछ कह नहीं सकते। अगर सरकार ने बोनस दे दिया तो मंडी में हो सकता है माल भी नहीं आए। क्या नाम है आपका? व्यापारी अजय खंडेलवाल है? जी हाँ। आज गेहूं के क्या दाम रहे मंडी में अधिकतम? गेहूं नीचे में साहब हल्के माल जो है 2000 की रेंज में बिके हैं, और ऊपर में बढ़िया माल 2250 से 2450 रुपये बिका है। अच्छा, लगातार आवक बढ़ रही है अपने गेहूं की। हाँ, प्रेशर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, समय लगेगा थोड़ा सा। आज वो कितने ट्राली माल आए हुए? आज ट्राली 120-125 वाहन थे। लगातार बढ़ रहे हैं वाहन भी हमारे हाँ, पास। वाहन आवक धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर मौसम साफ रहा तो जल्दी बढ़ेगा, और अगर खराब रहा तो आवक समय लगेगा। कौन कौन सी क्वालिटी का आता है हमारे पास? यहाँ पर सब, एक तो क्रास आता है चंदोसी पेटेंट का, एक लोकवन और मालोराज, कौन कौन से गांव के किसान लाते हैं? सभी आसपास के 100 किलोमीटर के किसान हैं। यहाँ पे देपालपुर बेट ज्यादा आता है, बेटमा लाइन का माल है। और अब सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी, इसका कोई असर पड़ेगा? असर आवक के ऊपर रहेगा साहब। अगर आवक प्रेशर काफी अच्छा रहा, कुछ बता रहा है कि माल की मिलकत कम बैठ रही है, जो पर्याप्त तो 18-20 का बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, और मौसम भी अब की बार थोड़ा सा प्रभावित किया? हाँ, मौसम प्रभावित रहा तो माल भी खराब होगा और आवक भी कम तो पड़ेगी।